अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ज़ियारा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो जी, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर अपने लिए नाश्ता बनाने आ गई थी। किचन का हाल बहुत ही बुरा था क्योंकि सारा तो वैसे किचन में क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा मुँह सारा ख़राब हुआ है, बुखार वगैरह है, तो उसकी वजह से मैं किचन नहीं संभाल पाई रात को। तो जी, सबसे पहले मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर मैंने किचन साफ़ किया और मामा ने सुबह सुबह ही यहाँ पर छोले रख दिए थे। तो जी, आज हम लोगों ने छोले चावल बनाने थे, तो इसी वजह से मामा ने सुबह सुबह छोले रख दिए थे कुकर में और मैं साथ साथ अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना कर नाश्ता करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। किचन भी फिर क्लीन करना है। तो जी, यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था और अब मैं आ गई थी यहाँ पर किचन सारा क्लीन करने के लिए। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपनी रेगुलर सफाइयाँ की। सफाइयाँ करने के बाद हम लोगों ने मशीन लगा ली थी, बल्कि साथ ही हम लोगों ने मशीन लगा ली थी और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए थे, तो इसी वजह से साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी, साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। और जी, फिर इसके बाद मामा हांडी बना रही थी साथ, और बस इस तरह ही सारे मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो जी, यहाँ पर हमारे सारे काम हो रहे थे, साथ मैंने चावल भी गो दिए थे। 2-3 बज के थे हमारा काम ख़त्म होने तक। और जी, जब चावल बन गए थे ये शाम, हम लोगों ने फिर पूरा दिन रेस्ट किया। और जी, ये रात का टाइम था और मैंने, पता है, इंडियंस की तरह खाना, वैसे उनकी तरह मेरे पास थाली तो नहीं थी ना उनकी तरह, मेरे पास छोटे छोटे बाउल थे। तो जी, मेरे पास अपनी प्लेट थी और ये बाउल था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इंडियंस की तरह खाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ आता है उनकी तरह खाने का। तो मैंने कल रात को वैसे ही खाया। और जी, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हम लोग को पसंद आया। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।